उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बसपा ने तेज कर दी है। करीब 10 साल से सत्ता से दूर रही बसपा फिर सत्ता में आने के लिए लगातार अलग अलग माध्यम से संवाद कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ की पश्चिम विधानसभा से बसपा की तरफ से महिला सम्मेलन कराया गया, जिसके संयोजक बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान रहे। बता दें कि यह सम्मेलन पश्चिम विधानसभा के राजाजीपुरम क्षेत्र में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की धर्मपत्नी कल्पना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के लिए हमेशा से बसपा ने काम किया है और आगे भी करेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान हमारे लखनऊ ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम के संयोजक और बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे सपा की बात करें, चाहे भाजपा की, चाहे बहुजन समाज पार्टी की। लगातार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ पश्चिम से प्रत्याशी कायम रजा जी। जानते हैं एक महिला सम्मेलन उन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे महिला सम्मेलन के बारे में? महिला सम्मेलन क्योंकि महिला ही हमारी राजनीति की कड़ी है। हमारी माननीय बहन जी आयरन लेडी बहन जी भी एक महिला ही है, और महिला कैसे शासन चलाती है एक महिला ही जानती। घर से लेके परिवार से लेके पूरा ऊपर तक बहन जी चलाती। देखिए जैसे घर में महिला चलाती है शासन, वैसे बहन जी हमारी जो है शासन ऊपर चलाती। क्या मानते किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे इनके अलावा? जनता के बीच में मुद्दे तो इतने हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है पानी निकासी की, दूसरे पानी पीने की समस्या है, रास्ते गली सही नहीं है, दो तीन समस्याएं तो हमारे क्षेत्र में बड़ी जर्जर हैं, उनको लेके हम मैदान में आए हैं। हर पार्टी का एजेंडा होता है, पर व्यक्ति विशेष का भी अपना एक एजेंडा होता है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाता है। जनता के बीच क्या एजेंडा लेके जाएंगे, जो आपके क्षेत्र की जो जरूरतें हैं? हमारे क्षेत्र की बताया था रास्ता, पानी और पानी की निकासी और बिजली, तीन समस्याएं जो जर्जर हैं उसी को लेकर हम फील्ड में आए हैं, और क्षेत्र ने हमें जिताया, पब्लिक ने जिताया, तो इस सारी समस्याओं का हल हम पूरी तरह से दूर करेंगे। हाल में ही कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा है कि विधानसभा जो चुनाव रहेगा उसमें 40% महिलाओं को सीट देंगी, क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी कोई पहल करेगी? देखिए उनके पास कोई विकल्प है नहीं, तो अभी महिला अभी कहीं कहाँ देंगी, किसी को देंगी, तो अभी फिलहाल अभी उनका 10 साल तक तो यहाँ कुछ नहीं है, और आने वाली सरकार हमारी माननीय बहन जी की बनने जा रही 2022 में, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही माननीय बहन जी, हम लोग विधायक बनाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आखिरी बात जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अनुरोध करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जो है हमको आप विधायक बनाए और इस क्षेत्र की समस्या को दूर कराए। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ पश्चिम से प्रत्याशी कायम रजा खान। उनका कहना है कि बहन जी ने पहले भी अपनी शासन का लोहा मनवाया है और लगातार जनता के बीच काम किया है, अब फिलहाल आने वाले भविष्य में क्या होगा, किसकी सरकार होगी, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से गतिविधि चल रही है और जिस तरह से साफ सुथरी छवि के लोगों को उतारा जा रहा है, निश्चित ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। सम्मानित साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। मैं कायम रजा खान प्रत्याशी पश्चिम विधानसभा 171 का हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो, दीपावली, जमघट, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने